चैनल एंड आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ ये लैम्प कि मैंने इसको कैसे बनाया है। बहुत ही इजीली, बहुत आराम से घर में बन जाता है। एंड बैठे बैठे क्या करने, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, राइट? सो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसको कैसे बनाया है। बहुत ही इजीली, बहुत जल्दी बन जाता है। एंड ये सारी चीज़ें क्रिएटिविटी करने में मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। तो सर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है, बॉटल को 15 और 20 मिनट्स के लिए या तो आप पानी में सोख करके रख लें या तो फिर आप उसको ड्रायर ब्लो ड्राई कर लें। उससे क्या होगा, उसका जो स्टिकर है बहुत ही ईजिली पील हो जाएगा। एंड देन फिर मैंने लिया है इसको डेकोरेट करने के लिए कुछ बिंदियाँ जो ईजिली घर में अवेलेबल होती हैं। एंड कुछ कलर्स लिए हैं, आप अपने पसंद के कोई भी कलर ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। स्पॉन्ज लिया है, इसके बदले आप मेकअप स्पॉन्ज का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने लिया तो ये था लेकिन मैंने इसके बाद यूज़ किया है मेकअप स्पॉन्ज। एंड मेरे पास कुछ ब्रशेस पड़े हुए थे, इन सबको यूज़ किया है मैंने उसको डिज़ाइन देने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बड़ी सी बिंदी ली है, उसको मैं सेंटर में से लगा रही हूँ बॉटल के। एंड देन छोटी वाली बिंदियों को लेकर के ऊपर नीचे, अकॉर्डिंग टू यू आप कैसे भी डिज़ाइन मॉडिफाई कर सकते हैं। सो मैंने उसको एक बड़ी मिडिल में एंड छोटी ऊपर नीचे लगाई है, बिल्कुल ऐसे। सो मैंने बिंदी अप्लाई कर दी है एंड मैंने कैसे चेक किया है कि वन फिंगर का जो है डिस्टेंस होना चाहिए दोनों बिंदियों के बीच में। तो मैंने एक लाइन से ऐसी डिज़ाइन बनाई है जिसमें सेंटर में एक बड़ी बिंदी, ऊपर नीचे दो छोटी बिंदी एंड देन पैरेलली सेम डिज़ाइन रखी है और बीच में एक सिंगल सिंगल बिंदी ली है। अब चलिए उसको पेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ऑरेंज कलर लिया है एंड मैं उसको हाफ ऑफ द बॉटल में ऑरेंज कलर को एक स्पॉन्ज की हेल्प से अप्लाई कर लूँगी। फिर सेम ऑरेंज कलर को मैं बॉटल के पीछे साइड भी अच्छे से अप्लाई कर दूंगी सो डेट वो दोनों एक जैसा दिखे। फिर मैंने लिया है येलो कलर एंड हाफ ऑफ दी बॉटल में अब हम उसको येलो कलर को अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। जब अच्छे से दोनों कलर पेंट हो जाएंगे तो हमने उसको थोड़ी देर के लिए सूखने रख दिया है। अराउंड 1 आवर में वो आराम से पूरी सूख जाती है। एंड अब हमने जो भी बिंदी लगाई थी हम उसको पील कर देंगे। तो मैं यहाँ पे प्लकर की हेल्प से जितनी भी बिंदियाँ मैंने लगाई थी उसको बहुत ही सावधानी से पील कर लूँगी।
देखिए हमने सारी बिंदियों को पील कर दिया है एंड पील करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड चलिए अब उसमें डिज़ाइन करते हैं। तो मैंने येलो कलर में जो बिंदियां हैं उसके ऊपर ऑरेंज कलर से सारे ऐसे डॉट 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 करके एक फ्लावर काइंड ऑफ बना दिया है। एंड ऑरेंज कलर में वैसे वर्सा करूँगी मैं ऑरेंज में येलो कलर से। सो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा कलर्स भी यूज़ नहीं होंगे एंड वो एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा एंड बहुत अच्छा लगता है। अच्छे से सारे डॉट्स अप्लाई कर लिए हैं एंड ये फ्लावर का शेप दिख रहा है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो मैंने बड़ी बिंदी में बड़े डॉट्स रखे थे एंड देन एक स्टिक लेकर के छोटे छोटे डॉट्स रखूँगी। जो छोटी बिंदियाँ थी उनके आसपास में छोटे छोटे डॉट्स रखूँगी। उसमें मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू कलर, क्योंकि येलो और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन ब्लू होता है। सो मैं दोनों में सेम ब्लू कलर ही यूज़ करूँगी। एंड देन आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आपके पास ईयरबड्स हों, आपके पास माचिस की काड़ी हो। सो आप इस हिसाब से कि एक थोड़ा मोटा डॉट और एक थोड़ा बारीक डॉट हो, सो आप अपने हिसाब से घर में आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप उससे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जो ऑरेंज डॉट्स रखे हुए हैं बड़े डॉट, वो मैंने पेंट ब्रश के पीछे वाला पोर्शन जो होता है ना उससे रखा हुआ है। एंड ये स्टिक मेरे पास एक पड़ी हुई थी, इससे मैंने छोटे डॉट्स रख लिए। सो डेकोरेट होने के बाद हमारी बॉटल कुछ ऐसी दिख रही है। कोई देख के बोलेगा ये कैचअप की बॉटल है, बिल्कुल भी नहीं। जिसको नहीं पता होगा वो तो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएगा। लग रही है ना सुंदर, है ना। सो अब मैंने क्या किया है, उसका जो होल है कैप वाला पोर्शन, वहाँ पे मैंने, मेरे पास कुछ लेस पड़ी हुई थी, मैं उसको वहाँ पर लेस अप्लाई कर लूँगी। सो ये ऐसी दिख रही है। एंड देन मैंने बीच में और लास्ट वाले ये पोर्शन में भी अच्छे से लेस को अप्लाई कर दिया है, सो डैट कोई जॉइंट्स ना दिखे। तो ही हैज़ द फाइनल रिजल्ट। एंड मैं फिर क्या कर रही हूँ, उस बॉटल के अंदर मेरे पास एलईडी लाइट रखी हुई थी, मैं उसको इंसर्ट करना स्टार्ट कर दिया है अब। मैंने इसको प्लेस कर दिया है जहाँ पे मैं इसको रखने वाली हूँ एंड स्विच बोर्ड के पास, सो डेट मेरी एलईडी जल सके उसमें मैं कनेक्ट करके। सो देखिए चलिए चला के देखते हैं कैसा लगता है। लाइट्स ऑफ कर दी है एंड हियर इज़ द फाइनल रिजल्ट। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड बहुत ही ईजी था इसको बनाना, है ना। सो मुझे तो पर्सनली ये सारी क्रिएटिविटी करने में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है एंड होप आप लोगों के साथ भी ऐसे ही कुछ होगा, है ना। सो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।